प्रथम अंजाम देने जा रहे हैं, हमें उसका इल्म होना चाहिए कि वो कौन सी इबादत है, किस किस्म की इबादत है, इसकी अदायगी का तरीका क्या है, इसके अहकाम क्या है, कौन से वो उमूर है जिनकी वजह से आपकी वो इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में रद्द हो सकती है, नाकाबिले कबूल हो सकती है। अगर इसके बगैर